अब तक हमने जाना कि जब र स्वर के साथ हो यानी कि पूरा र हो तो कैसे लिखा जाता है, लेकिन अब जानते हैं कि जब यह र स्वर रहित हो यानी कि जिसका उच्चारण र हो तब इसे कैसे लिखा जाएगा। इसका रूप बदलेगा और ये अब रेफ कहलाता है और यह शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे कि कर्म, धर्म, आश्चर्य आदि। उदाहरण के लिए पूर्व शब्द को देखें। पूर्व शब्द कैसे बना? पू र व। आइए देखें कार्यालय शब्द। कार्यालय शब्द में र का उच्चारण य से पहले हो रहा है, इसलिए रेफ य के ऊपर लगना चाहिए, लेकिन वहां पर मात्रा भी लगी हुई है इसलिए आ की मात्रा के ऊपर रेफ लगेगा। आइए रेफ युक्त शब्दों का उच्चारण सीखें। मार्ग, सूर्य, बर्तन, मूर्ति, पर्वत, दर्पण, निर्धन, हर्ष, चर्चा, निर्बल, निर्माण, निर्णय, विद्यार्थी, हार्दिक, शर्म, गर्म।